आहुजास रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं मसाला खिचड़ी। अगर आप कुछ हल्का खाना पसंद करते हैं तो आप इसे डिनर में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मसाला खिचड़ी बनाना। सबसे पहले मैंने एक कप चावल और आधा कप छिलके वाली मूंग की दाल को अच्छी तरह से 3-4 पानी से धोकर भिगोकर रख दिया है। आप इसमें मूंग की पीली दाल या तुअर दाल भी डाल सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकर में 4 से 5 बड़े चम्मच तेल डालें, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालें। आप लहसुन भी डाल सकते हैं, थोड़े कड़ी पत्ते और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 1/2 कप गाजर के पीसेस डालें, 1/2 कप आलू डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप और भी सब्जियां डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, जैसे कि फूल गोभी, बैंगन, प्याज। अब 1/2 कप हरा मटर डालें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक पकने दें। अब 1 कप कटा हुआ टमाटर डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। अब स्वाद अनुसार नमक डालें और एक बार और अच्छी तरह से मिक्स करें। अब सभी सब्जियों को थोड़ी देर पकने दें। अब सब मसाले डालेंगे। 2 बड़े चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच बिरयानी मसाला डालकर बराबर हिलाएं और इसे 1 मिनट तक पकने दें। अब जो दाल और चावल हमने भिगोकर रखे थे उसे डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। हमें इसे इसी तरह 2 मिनट हिलाते हुए पकाना है, जब तक कि इसका पानी सूख न जाए। अब इसमें हम 4 से 5 ग्लास पानी डालेंगे और एक बार मिलाएंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद करके हमें 4 से 5 विसल आने तक इसे पकाना है। हमारी खिचड़ी तैयार है। अब हम इसे खोलकर देखेंगे। गर्मा गर्म मसाला खिचड़ी तैयार है। अब हम इसमें ऊपर से हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं। गर्मा गर्म टेस्टी और हेल्दी मसाला खिचड़ी तैयार है। हम इसे यहाँ दही और पापड़ के साथ सर्व कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे सूप या कढ़ी के साथ भी खा सकते हैं। ऊपर से थोड़ा घी भी डालें, जिससे इसका स्वाद और भी टेस्टी हो जाता है। तो मसाला खिचड़ी तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।